बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायु कार्ड करेंगे वितरित। चंडीगढ़ से 11 बजे चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। प्रदेश के शहरी इलाके और 1600 ग्राम पंचायतों में कार्ड किए जाएंगे वितरित। करीब 10 लाख के करीब कार्ड वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार रूप है चिरायु हरियाणा योजना। करीब 28 लाख परिवार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर हो रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। बड़ी खबर, चंडीगढ़ से 11 बजे चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर बता दें कि इससे प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, और जिस तरह से ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो लाभ है वो यहां पर लोगों को मिल जाएगा, और करीब 28 लाख परिवार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर हो रहे हैं। तो यानी कि यूं समझ लीजिए कि लोगों को और प्रदेश के जो लोग हैं जिन्हें ये कार्ड वितरित किए जाएंगे उन्हें काफी ज्यादा लाभ जो है यहां पर मिलने वाला है। बड़ी खबर बता रहे हैं, तो 11 बजे ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। चंडीगढ़ से वितरित करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार रूप है चिरायु हरियाणा योजना। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, इस पूरी खबर को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल साधना, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक योजना के तहत कार्ड वितरित करने वाला है। हरियाणा चिरायु योजना के तहत जो है वो कार्ड वितरित करेंगे, और करीब 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़ने वाले हैं। प्रदेश और ग्रामीण इलाकों के तबके के लोगों के लिए कार्ड वितरित किए जाएंगे। आज करीब 1600 ग्राम पंचायतों के लिए तमाम जो लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको ये कार्ड वितरित किए जाने हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार रूप जो है वो चिरायु योजना है, उसके तहत ये कार्ड वितरित किए जाएंगे, और करीब 28 लाख परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस जो है के रूप में ये जो कार्ड है वो वितरित किए जाएंगे। और तमाम अगर बात की जाए इस आयुष्मान भारत योजना के विस्तार रूप की, चिरायु कार्ड की अगर बात की जाए, तो करीब 1500 बीमारियां इसमें जो है वो शामिल की गई हैं, और हरियाणा के जो 28 लाख परिवार हमको सीधा फायदा होने वाला है। यानी यू कह लीजिए 28 लाख परिवारों के साथ साथ हरियाणा की आधी आबादी को इस स्कीम का फायदा पहुंचने वाला है, और कहीं ना कहीं हरियाणा के तमाम जो 22 जिले हैं जिनकी जिनमें जो 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 लोग रहते हैं जिनकी जो आय है 1,80,000 से कम है, तमाम उन लोग को ये फायदा सीधे तौर पर पहुंचने वाला है। 5 लाख तक का जो तमाम जो इलाज है जो पात्र लोग हैं वो इसमें अपना करवा सकते हैं, और जिस हिसाब से ये स्कीम शुरू की गई थी तो मुख्यमंत्री का एक ही सपना है, तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कह लीजिए या तमाम जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक तमाम जो सेवाओं का लाभ देना है वो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, और उसी के तहत 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले तमाम जो लोग हैं उनको इस जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो है सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। तो 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, और मुख्यमंत्री सीधे जो है आज कार्ड वितरित करेंगे और वर्चुअल माध्यम से वो जुड़ने वाले हैं। जी रवि, बात की जाए, हालांकि आपने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 22 जिलों में जितने भी लोग हैं उन्हें ये जो सौगात है वो देने वाले हैं, तो बात की जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अब यहाँ पर कार्ड वितरित किए जाएंगे तो इसका अगला प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल साधना, देखिए मुख्य लक्ष्य की अगर बात की जाए तो मुख्य लक्ष्य है जिस प्रकार से हरियाणा का एक गरीब तबका है जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उन तमाम लोगों को सीधा हेल्थ का फायदा पहुंचाना है। ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना इलाज नहीं करा पाते, जिनमें जिनका खर्च जो है अब सरकार वहन करेगी, 5 लाख तक का जो इलाज है वो अब हरियाणा सरकार वहन करने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री का एक लक्ष्य रहा है, मुख्यमंत्री की एक सोच रही है, कहीं ना कहीं उसी सोच के तहत 1,80,000 से कम आय वाले जितने भी जो लोग हैं वो अब इस चिरायु कार्ड योजना के अंतर्गत आते हैं, और उनको इलाज
इलाज कराने के लिए अब एक रुपया नहीं देना होगा। तमाम जो वो लोग हैं जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे उनको 5 लाख तक का इलाज हरियाणा के जो एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो है उनका किया जाएगा और उनसे एक रुपया नहीं लिया जाएगा, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर अपनी बीमारी को लेकर कहीं ना कहीं किसी के पास से पैसे उठाते थे, तो अब इस प्रकार की कोई चीजें नहीं आएंगी। उनके भले के लिए उन्हीं के उन परिवारों के गरीब परिवारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो कार्ड है वो वितरित किए जाएंगे। करीब 10 लाख के आसपास जो है आज कार्ड वितरित करने हैं। इसके अगर बात की जाए तो शहरी और करीब 1600 ग्राम पंचायतों में ये आज कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो अपने आप में एक काफी अच्छी ये स्कीम जो है वो मानी जा रही है आयुष्मान भारत योजना का एक विस्तार रूप जिसको कहा जा सकता है, और इस विस्तार रूप में हरियाणा ने अपनी तरफ से हरियाणा चिरायु योजना जो है वो शुरू की। तो रवि ये भी जानकारी दे दीजिए कि कौन कौन से जिले जो हैं वो सबसे पहले कवर किए जाएंगे, क्योंकि देखिए अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब भी सीएम मनोहर लाल ऐसी तमाम योजनाएं चलाते हैं तो हमेशा लोगों को फायदा भी पहुंचता है। बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो तमाम वो पात्र लोग हैं 1,80,000 से जिनकी कम आय है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग आवेदन करेंगे उनका जो कार्ड है वो बना दिया जाएगा। इसमें मुख्यतः रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि एक जिले को पहले जो है वो कवर किया जाएगा या फिर दूसरे जिले को पहले कवर किया जाएगा। तमाम पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद जो है उनका कार्ड बनेगा और कार्ड बनने के बाद तमाम वो सुविधाएं जो है वो जो है उनके कार्ड पर शुरू कर दी जाएंगी, चाहे उसमें इलाज की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टेस्टिंग की बात हो, जो लोग बीमार होते हैं उनकी टेस्ट करने की जो बातचीत आती है कि बीमार है तो वो अपनी जांच भी करा पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस पूरे कार्ड की अगर योजना की बात की जाए तो पूरे इस कार्ड के अंतर्गत 1500 ऐसी बीमारियां हैं जिनको कवर किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1500 बीमारियां कवर होनी है। और साथ साथ तमाम वो जो लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं जिनको इस कार्ड के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं अवगत कराया जा रहा है। वो प्रचार प्रसार जो है इस कार्ड का चिरायु जो योजना है हरियाणा सरकार की उसके बारे में जानकारियां भी दी जा रही है ऑनलाइन। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और इस खबर पर बने रहने के लिए।